हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, यहाँ पे जितनी भी प्रोडिक्शन मैं कर रहा हूँ लगभग सब पास है, ठीक है। इसके 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सारी टीम पास थी, 5 में 5 आप बोल सकते हो। आज इंडिया भी टेस्ट जीत गई। कल जो मैंने बनाया था उसमें भी सारी टीम पास है। इवन दो टेबल टॉपर के अगेंस्ट मैंने दिया था, ऑकलैंड जीत गई आज, ठीक है। दो मेंस का मेंस में भी वो जीत गई, और उसमें जो मैंने बोला था जितनी भी टीम सब विन हो गई, ठीक है। अब आज इसमें देख लेते हैं, और यही है कि पर मैचेस सारे स्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब कोई आप कुछ कर नहीं सकते। हालांकि ऑकलैंड में आपको कौन सा मैच था अभी मैं देखता हूँ, ऑकलैंड वाला ही तो था। उसमें आपको पहले इनिंग्स में आपका काम हो गया होगा, मतलब फर्स्ट इनिंग में ही आपको लो मिला होगा, वहाँ से हमारी टीम डायरेक्ट विन हो गई, ठीक है। जो मार्टिन कपिल मैच विन किया था, दूसरा वुमेंस वाला तो डायरेक्ट डेड हो गया था, ठीक है। मतलब स्ट्रेट मैच था, उसमें कुछ हुआ नहीं। रेनेगेड्स में भी कुछ आपको मिला नहीं होगा, और साउथ अफ्रीका वाला तो परसों ही प्रेडिक्ट मैंने किया था। तो आइए प्रेडिक्शन करते हैं इसकी, हमारी 5 जनवरी की। काफ़ी सारे मैच है, बस ये है कि अभी तक 4 दिन में सारे मैचेस डेड हो चुके हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले ये जो सेंट्रल हाइंस का मैच है, इसमें ये वाली टीम जो है अनबीटेबल है, ठीक है। अभी तक ये टीम अनबीटेबल है हमारी, ठीक है। और कैंटरबरी की टीम में सोफी मेलिंग्यू आ गई है, तो टीम स्ट्रांग हो गई। अभी मैं देखूंगा टीम, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। कैंटरबरी और सेंट्रल स्टैट्स में ऐसे तो इसमें तो कोई टेबल ट्रिक काम नहीं कर रहा, क्योंकि सारी टीम कुछ कुछ मैच जीत गई है। एडिलेड और पर्थ में पर्थ हमारी अनबीटेन है अभी तक, और फिर हमारी टीम पर्थ ही रहेगी, ठीक है, जैसा मैंने इधर ही बोल दिया। ये वाले मैच में मैं आपको फिर वही बोलूंगा, आप तीनों मैच में इंडिया ही पकड़ना, आपके काम हो जाएगा। क्योंकि इसको पकड़ोगे तो कुछ देगा नहीं मेरे ख्याल से, मेरे मैक्सिमम इसको 40-50 खोलना चाहिए, ठीक है। बट अगर इंडिया पकड़ोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आइए फटाफट से देख लेते हैं, ये अनबीटेन है तो इसी के साथ आप रह सकते हो, बट मैं आपको बताऊंगा अभी, देखते हैं। इसमें तो ऐसे कोई ट्रिक है नहीं, आज मैंने वेलिंगटन के अगेंस्ट दिया था और वेलिंगटन आपकी हार गई, ठीक है, जैसा मैंने बोला था। इसमें अभी तक दो टीम अनबीटेन है आपकी, ब्रिस्बेन हीट और पर्थ, लास्ट ईयर भी इन दोनों का फाइनल हुआ था। आइए वुमेंस का देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों टीम एकदम स्ट्रांग है। इस टीम में देखा जाए तो डॉट अच्छा खेल रही है, होमी आर्मिटेज काफी अच्छा सिलेक्शन है, डोमेस्टिक अच्छा खेलती है इंग्लैंड का। बाकी हैनार वो काफी अच्छी बॉलिंग कर रही है, आपकी रोजमेरी मायर काफी अच्छी बॉलिंग कर रही है, अस्तुति कुमार अच्छी बॉलिंग कर रही है। तो ये पहली बात आप समझिएगा, ये प्योर डिफेंस टीम है, ठीक है। इनके पास जैसे मैंने जब तो मैं डेली तो सुबह उठ ही रहा हूँ, पर ये कि मैचेस ही नहीं हो रहे, मतलब मैं तो यही सोच रहा था यार इससे बेटर तो मैं पिछले 15 दिन से योगा ही कर लेता। मैंने क्या किया कि वो सारी चीज़ बंद कर दी कि भाई मैच होगा तो आपको दे दूंगा करके, और भाई साहब पूरा सुपर मैच इन्होंने डेड कर दिया। मतलब मैं डेली मैच देख रहा हूँ, डेली सोच रहा हूँ दे दूँ, और दे भी रहा हूँ तो बस वही अपना काम हो रहा है, उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं रहा है। मैचेस इतने डेड जिसका हिसाब नहीं, वही बात है ना। 15 दिन में वही सोच रहा था इससे 8-8 बजे सोता, सो के उठता और आराम से 1 घंटा योगा, 2 घंटा योगा, क्लास चला जाता। मैंने सब बंद कर दिया कि भाई मैच दूंगा, पता चला सारा मैच डेड हो रहा है। तो ये बात याद रखिएगा, हैनारो और रोजमेरी मायर ये दोनों बहुत टॉप क्लास बॉलर है, ये इट्स अ डिफरेंट टीम। आप ये खाली मान के चलो, होमी आर्मिटेज, अस्तुति कुमार, ये सब अच्छी बॉलिंग कर रही है, मैंने इसको देखा है, ये काफी टॉप क्लास टीम है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कैप्टन बॉलिंग ही नहीं कर रही है। पहले मैच में बॉलिंग करके भयंकर डिफेंड करा दी थी, अच्छी बॉलर है, बट ये अपने ऊपर ओनरशिप नहीं ले रही है जब तक कि मैच फंस नहीं जा रहा, ठीक है। दूसरा जो इनका सिलेक्शन अचानक से हो गया, सोफी मेलिंग्यू एकदम टॉप क्लास क्रिकेटर, वो तो आपको मैंने टेलीग्राम पर ही बता दिया था कि इनका WPL में भी सिलेक्शन होना चाहिए, और टीम ने इनको लिया, कोई जानता भी नहीं होगा मैक्सिमम मेरे हिसाब से जो इधर बीच मैच देखते होंगे। बाकी फातिमा सना को भी कोई नहीं जानता था, मैंने कंटिन्यूस अपने टेलीग्राम पर आपको बोला कि ये इसमें टैलेंट है और अब यहां तक खेल रही है, ठीक है। बाकी इनकी टीम में अगर देखा जाए तो अम्यूजमेंट काफी अच्छी बॉलिंग करी, तो दोनों टीम एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग है, ये अनबीटन है। और ये भी ये देखिए, ये मैच एक्चुअली में ना बहुत तगड़ा हो सकता है मेरे ख्याल से। फाइनली 4 दिन का जो सूखा है कल खत्म हो सकता है ये जैकपॉट मिल करके, ठीक है। क्योंकि ये दोनों टॉप क्लास टीम है, दोनों में ये बोल सकता हूँ कि दोनों की बॉलिंग अच्छी है और दोनों ही डिफेंड टीम है। बट यही है कि अब जैसे पहली बार ये करेंगे तो हो सकता है ये भी रन ना बना पाए, ठीक है। तो कल के दिन देखिए, मैं ये बोलूँगा कि इसका तो सोचना पड़ेगा। इसमें मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर ये पहली बैट करते हैं तो आप इनको पकड़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बॉलर हैं कि मैच में कलर अप ले आएंगे, आपका काम कर देंगे। चेज भी करें तो चलिए ठीक है, इवन तो बहुत अगेंस्ट जा रहा हूँ मैं, ये टीम काफ़ी स्ट्रॉग है इनकी, पर फिर भी मेरी टीम अनबीटन ही रहेगी आपकी सेंट्रल वुमेंस की, ठीक है। और पर ये याद रखिएगा, जो बंदा कुछ से करता है ये डिफेंड कर सकती हैं, ये 100 रन का टोटल भी डिफेंड कर सकती है, इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है ना। वो रोजमेरी मायर एकदम टॉप क्लास बॉलिंग कर रही है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ठीक है। इनके स्पिनर भी अच्छी है, डेवन शायर तक भी अच्छी बॉलिंग कर रही है, लेफ्ट आर्म की स्पिनर है, ठीक है। हालांकि इनकी भी अगर देखा जाए तो इसमें फ्रैंकिस मैकाए, आपके सारा अम्यूजमेंट, सोफी मेलिंग्यू एकदम टॉप क्लास की बॉलर है सब, बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये बॉलिंग कर नहीं रही है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा और अभी भाई अभी से ही बन गया, ठीक है। देखिए ये अभी न्यूजीलैंड तो 11 तारीख का सिलेक्शन है, तो अभी तो मेरे ख्याल से ये लोग खेलेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड में ही मैच है, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। ये भी टीम अच्छी है, और इनकी टीम देखा जाए तो इनकी टीम में लास्ट मैच में हेनरी निकोलस ने काफी अच्छा खेला, कोल मकुंजी काफी अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है। माइकल रिपन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये मैच काफ़ी अच्छा बन सकता है। एक बार मैं टेबल देख लूँ इनका अगर मैं टेबल देखने बैठूंगा तो सेंट्रल स्टैक सिर्फ एक ही जीती है, ठीक है। कैंटरबरी मेरे ख्याल से 2 जीती है। देखिए जैसे लास्ट ईयर ये टीम कंटिन्यूस विन कर रही थी चेस करके, इस साल तो इन्होंने इनको एकदम बेकार टीम कर दिया। हालांकि टीम अच्छी है, इनके 2 स्पिनर एकदम टॉप क्लास है, पर फिर भी मेरी टीम यही रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये टीम को मेरे ख्याल से इस बार वो बनाया जा रहा है कि लास्ट ईयर सब चेस की थी, इस साल तो कुछ कर ही नहीं पा रही, तो आप इन्हीं के साथ रहना, ठीक है। कैंटरबरी हालांकि इनकी भी बॉलिंग अच्छी है, बट मैं कैंटरबरी के साथ आपको बोलूंगा। एडलर और पर्थ में तो भैया पर्थ पूरे टूर्नामेंट पकड़ लेना, पर्थ और हीट का ही मेरे ख्याल से फाइनल होना चाहिए, क्योंकि दोनों हार ही नहीं रहे। इनकी टीम में प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट ये है कि अकेले ही बंदा खेले जा रहा है आपका मैथ्यू शॉट है, बॉलिंग ही नहीं कर रहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी देखिए टीम में जेवी होटन अच्छा खेल रहे हैं, क्रिस लिन अच्छा खेले, लास्ट मैच में उन्होंने चेस भी अच्छा किया, थॉमस केली भी अच्छे तगड़े प्लेयर लग रहे हैं, बट आप इन्हीं के साथ रहो, ठीक है। अब देखिए आ गया ये फाइनली ये मैच, ठीक है। इसमें हमारी टीम, मैं यही बोलूंगा आप इंडिया वुमेंस पकड़ना। देखिए इनकी टीम में देखा जाए तो एकदम सब टॉप क्लास के क्रिकेटर है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देखा जाए तो अगर राजेश्वरी गायकवाड़ खेलती है तो अच्छा रहेगा, रेणुका सिंह अच्छी बॉलिंग करेंगी, दीप्ति शर्मा, तो इनके पास भी 3 अच्छे बॉलर हैं, और कहीं ना कहीं T20 के हिसाब से अच्छी बैटिंग लाइनअप है। आप देखिए पहले मैं बता दूं, जिसको मालूम ही होगा, ये BNRY कैंडिडेट उठा लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनका आपको जैसे मैंने बोला, पिच तो मेरे ख्याल से फ्लैट ही रहेगी, तो कुछ मत कीजिएगा, पर ये BNRY आप उठा लीजिएगा, ठीक है। ये इनका आप BNRY उठा सकते हो। बाकी
फोर ब्लिच फील्ड ऊपर तो नहीं आएगी, वो नीचे ही आएगी। ताइला मेघरात का भी BNR भाई आप उठा सकते हो, पर इसका तो 100% उठा लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए मैं चलता हूँ, एक बड़ा वीडियो बन गया, उम्मीद करता हूँ कल से वो सूखा खत्म हो, जैकपॉट मिले। ये मेरे तरफ से जैकपॉट मैच हो सकता है, हमारी टीम सेंट्रल वुमेंस रहेगी, ठीक है, इसमें हमारी टीम कैंटरबरी रहेगी और इसमें पर्थ रहेगी, इसमें हमारी टीम इंडिया रहेगी, ठीक है। तो और तो कुछ बोलना नहीं है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।